खबर आपको दें, गुजर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन को मुतबादल घर देने का केस। मुतबादल घर देने के हुक्म पर अमल दरामद ना होने पर अदालत बरहम। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुल हसीब से। अब्दुल हसीब, अपडेट कीजिएगा समाअत के हवाल का। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में शहर के तीन बड़े नाले जिसमें गुजर नाला, औरंगी नाला और महमूदाबाद नाले के मुतासरीन को मुतबादल घर देने का केस है, जिसमें मुतासरीन की जाने से तौहीन अदालत की दरख्वास्त की। आज सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत हुई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी सिंध, मेयर कराची और दीगर हुकाम जो है वो पेश हुए। अदालत ने मुतबादल घर के अहकाम पर अमल दरामद न होने पर बरहमी का इजहार किया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क किए कि यहाँ पर गोट बना दिए जाते हैं, आधा शहर गोट बना दिया गया है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने यह भी कहा कि अगर पुलिस तजावजात खत्म नहीं करवा सकती तो प्राइवेट सिक्योरिटी लेकर जाएं, लेकिन अदालती हुक्म है, उस पर अमल दरामद करना पड़ेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अदालत को बताया कि काबीना की मंजूरी जो है वो दरकार है, इसके लिए मोहलत दी जाए। अदालत ने बरहमी का इजहार किया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को कहा कि आप काबीना के चक्कर में पड़े, लेकिन ये अदालत का हुक्म है, इस पर अमल दरामद करना होगा। मेयर कराची ने अदालत को बताया कि दो ऑप्शन हैं जिन पर गौर किया जा रहा है। पहला ऑप्शन ये है कि जो मुतासरीन है उनको प्लॉट और उसके साथ तामीर के लिए जो है वो नकद रकम, या दूसरा ऑप्शन में प्लॉट और जो है वो तामीर के मुकम्मल करके फिर घर जो है वो मुतासरीन के हवाले किए जाएंगे। अदालत को बताया गया कि जमीन की निशानदेही की जा चुकी है, लेकिन वहाँ पर जो है वो तजावजात हैं उसको खत्म करने के लिए वक्त जो है वो दरकार है। अदालत ने 15 रोज के अंदर उबूरी रिपोर्ट तलब की है। 15 दिन में हुकाम को उबूरी रिपोर्ट पेश करने का हुक्म है। अब्दुल हसीब हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।